फर्स्ट पॉइंट वो ये है कि लिसन अटेंटिवली। आप बोलेंगे मैं ऑडिटरी नहीं हूं, तो भी लिसन अटेंटिवली। और लिसन अटेंटिवली करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर अच्छी तरह से सो के आना होता है। अब कोई शख्स स्लीपी स्लीपी है लर्निंग टाइम पर, तो अटेंटिवली कैसे होगा जब उसको एक जंग लड़नी है अपने अंदर। हाँ, तो लिसन अटेंटिवली के अंदर बहुत जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है उनकी तरफ देखो, कोई विंडो के बाहर देख रहा है। तो दिस इज नॉट द वे टू लिसन अटेंटिवली। लिसन अटेंटिवली करना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रेजेंट रहें क्लास में, जिस्मी तौर पर भी और मेंटली भी। हाँ, मतलब आप जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, जो कोई टीचर है, यू लिसन टू इट अटेंटिवली। चाहे मान लो आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हो, आपके टीचर ऑनलाइन है, क्योंकि आपको पता है आज नॉलेज इतनी एक्सेसिबल हो गई है, इतनी अवेलेबल हो गई है कि एक शख्स अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो बहुत इजीली पॉसिबल हो गया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं, आप वर्ल्ड के टॉप मोस्ट और बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कोर्सेज कर सकते हैं यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन। तो वो लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हार्वर्ड, हाँ, ऑक्सफर्ड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आप बैठे बैठे यहां से बैठ के पढ़ सकते हो, अपने आप को नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। और अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा, बाकी ऐसे ही पढ़ना है, नॉलेज चाहिए तो ले लो, एग्जाम देना है वो भी दे दो, सर्टिफिकेट चाहिए तो चार्ज देना पड़ेगा। नॉट बैड, जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए नॉट बैड, बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो जो भी पढ़ रहे हैं बी अटेंटिव। देखिए ये जो टाइम है इसके अंदर बहुत ही जरूरी है कि एक इंसान ध्यान से सुने, इसके अंदर अटेंटिवली सुने। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है सूरह आराफ सूरह 7 वर्स 204, वइजा कुरिअल कुरान फस्तमीउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब ये कुरान के बारे में कहा गया, लेकिन हम वो सीखने का उसूल जो सिखाया गया, सीखने के ताल्लुक से दो बातें कही गई, गौर से सुनो, फस्तमीउ। फस्तमीउ का मतलब है गौर से सुनो, वअनसितू खामोश रहो। तो ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ सुन रहे हैं यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव टू व्हाट यू आर लिसनिंग एंड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट होने के अंदर बहुत सी चीजें हैं कि किस तरह से जो चीज पढ़ाई जा रही है आप उसको कैसे बेटर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, कैसे बेटर सुन सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कोई भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इफेक्टिव लर्निंग के अंदर फर्स्ट स्टेप है बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट का मतलब नॉट ओनली फिजिकली, फिजिकली भी प्रेजेंट होना होगा, कुछ एब्सेंट स्टूडेंट्स होते हैं, शॉर्टकट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बस एग्जाम। बी प्रेजेंट फिजिकली एज वेल एज मेंटली, जिस्मी तौर पर और जहनी तौर पर दोनों तरीके से आपको प्रेजेंट रहना है। हाँ, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।